हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HST वर्ल्ड। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम जो है अपने फैटी लीवर को कैसे मेंटेन करें और लीवर को जो है किस तरह से हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, और जो है इसके फैटी होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या लक्षण हैं, और इससे जो है हम अपने घर में पाए जाने वाले चीज़ों से या ऐसा क्या खाएँ जिससे जो है हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलें, उससे जो है आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे लीवर को हम हेल्दी कैसे रखते हैं। लीवर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लीवर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक ही पाया जाता है, और जो है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है। लीवर का क्या काम होता है? लीवर का सिर्फ ये काम होता है कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी भोजन हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा लीवर। और जो है अगर हमारा लीवर ही हेल्दी नहीं रहेगा या फिर फिट नहीं होगा तो फिर हमें जो है बहुत सारी गंभीर बीमारियों से हम जूझ सकते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है। तो अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लक्षण जो है, अगर हमारा लीवर जो है वो फैटी हो रहा है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? एक तो जो है हमारे लीवर का जो साइज़ होता है वो लार्ज हो सकता है, अपने नॉर्मल साइज़ से वो बढ़ जाता है, या फिर हमारे छाती जो है वो हैवी होती है, या फिर छाती के अंदर सूजन आना, जलन रहना, और पाचन तंत्र जो है हमारा लो होना, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना, साथ में जो है ऐसी दिक्कतें होना कि हमारा पाचन तंत्र जब हम फ्रेश होने जाएं तो हमें फ्रेश ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, और जो है हमारी गैस बनना, एसिडिटी रहना, जलन रहना, और पाचन तंत्र जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही डिस्टर्ब होना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण जो है हमारी बॉडी के अंदर शो हो सकते हैं। मैंने पाचन तंत्र के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए, और साथ में उनको लाइक शेयर करना ना भूलें। तो लीवर, ये तो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लीवर को ख़राब होने के लक्षण, और इसके ख़राब होने के क्या क्या कारण होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक तो क्या होता है, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कितना हेल्दी है और किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। जब हम खाना हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमने खाना खाना है और टेस्टी खाना है और किस तरह का खाना हमने खाना है, आगे जाके जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हानिकारक प्रभाव छोड़ता है वो हमें नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम खाना खाते हैं वो भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारे लीवर को फैटी होने में या लीवर का जो है डिस्टर्बेंस होने के लिए। तो क्या होता है, एक तो हमारा जो लीवर होता है उसका जो है डिस्टर्बेंस रहता है खान पान की वजह से, साथ में क्या होता है लीवर की इनबैलेंस हो जाना, लीवर के अंदर अगर हमें लगता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है या फिर खट्टी डकारें हमें आ रही है, हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल लो है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, साथ में हमें पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भोजन को पचा नहीं पा रहे हैं, उल्टियां हो रही है, दस्त हो रहे हैं, या फिर हमें स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, ये बहुत सारे कारण जो है हमारा लीवर शो करता है जब हमारा लीवर जो है वो फैटी होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कारण हो जाते हैं। साथ में क्या होता है, लीवर का काम होता है इंसुलिन का लेवल मेंटेन करना। वो क्या होता है, इंसुलिन का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, उससे जो है हमारी बॉडी के अंदर शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है या किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी हो सकती है। पर मेन जो होता है हमारा भोजन को पचाने का काम जो है हमारा लीवर करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है जब ये जो है लीवर हमारा फैटी होने लग जाता है, या फिर हम कोलेस्ट्रॉल वाली ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि बाजार का भोजन हम ज़्यादा खा रहे हैं, डेली जो है हम तली हुई चीज़ें खा रहे हैं,
साथ में पराठे के साथ चाय हम ले रहे हैं, पराठे के साथ अगर हम चाय लेते हैं तो ये भी सबसे बड़ा कारण हो जाता है हमारे लीवर को जो है फैटी करने का। अगर हम जो है पराठे के साथ चाय लेते हैं और पराठा जो है वो घी से अच्छी तरह लगा के और घी या फिर हम मक्खन वगैरह अच्छा खा रहे हैं तो उससे भी जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वो जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से लीवर के अंदर जो है फैट जमना स्टार्ट हो जाता है और जो है हमारा लीवर जो है वो फैटी होने लग जाता है। ये तो थे इसके होने के कारण। अब मैं बताऊंगी कि इससे जो है हम अपने ऐसा क्या खाएं जिससे जो है हम अपने लीवर को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे घर में जो है हल्दी हर टाइम पाई जाती है। हल्दी का यूज़ जो है हम अपने भोजन को बनाने के लिए करते हैं तो हल्दी जो है हमारे घर में हर टाइम अवेलेबल होती है। तो हल्दी का अगर हम रूटीन से सेवन करते हैं, चाहे आप भोजन में कर रहे हो, क्योंकि ये जो है एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है हल्दी जो होती है हमारी, तो हल्दी का अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं वो भी हमारे लीवर को जो है हेल्दी और फिट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ में अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हो रात को सोते टाइम या फिर सुबह अगर आप दूध लेते हो हल्दी वाला, तो वो भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, सेहतमंद बनाने में। साथ में क्या है, आप लौकी का जूस ले सकते हो। लौकी का जूस भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में। साथ में आंवला, आंवला जो होता है इसके अंदर ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो क्या है हमारे लीवर को हेल्दी और फिट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आंवला अगर आप मुरब्बा लेना चाहते हो मुरब्बा ले सकते हो, या जूस के साथ ऐड करना चाहते हो जूस में ले सकते हो, या वैसे ही आप खाना चाहते हो तो 2 से 3 आंवले जो है आप दिन में रेगुलर अगर खाते हो तो उससे भी जो है आपके लीवर की रिपेयरिंग रहती है, फैट बिल्कुल भी नहीं जमता है। साथ में हमारा पपीता जो होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, ये हमारे लीवर को जो हेल्दी और फिट रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पपीते का अगर हम डेली सेवन करते हैं तो एक तो हमें जो है पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, तो उससे भी राहत मिलेगी। साथ में आपका पाचन तंत्र भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। साथ में आपका लीवर के ऊपर अगर फैट जम रहा है या लीवर आपका फैटी हो रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी अगर आप जो है पपीते का रेगुलर यूज़ करते हो। साथ में पपीते के पत्ते भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके पत्तों का जूस भी अगर आप ले सकते हो तो जूस के अंदर चाहे आप गाजर का जूस में ऐड कर लो या फिर मतलब आप कोई भी जूस उसमें मिला के जो है संतरे का जूस ले लो या नींबू के साथ आप जो भी आप लौकी के जूस के साथ अगर आप पपीते के पत्तों का जूस पीते हैं तो वो भी आपके लीवर को जो है हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। साथ में जो है गाजर का जूस अगर आप लेना चाहते हो गाजर ले सकते हो, या फिर गाजर को आप सलाद के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो सलाद के रूप में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये भी जो है हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और साथ में ये जो है हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी भी नहीं होने देता है। जो हम गाजर का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लीवर के अंदर फैट को बिल्कुल भी नहीं जमने देता है और साथ में हमारे पाचन तंत्र को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो और जो है लौकी का जूस भी आप रेगुलर लेते हो तो लौकी के जूस में भी ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इससे जो है हम ऐसा क्या ना खाएं जिससे जो है हमारा लीवर जो है फैटी ना हो, ऐसा आप जो है कोलेस्ट्रॉल की जितना ज़्यादा हो सके वसा युक्त भोजन ना करें। वसा वाला अगर भोजन हम खाते हैं फैट वाला तो उससे जो है हमारा लीवर वो जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी होने लगता है और जो है हमारा क्योंकि हमारे लीवर का काम क्या होता है, वो क्या करता है हमारे बॉडी के भोजन को जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। उसको जो है जहाँ जहाँ पे भोजन को पहुंचाना है वहाँ वहाँ पे वो पहुंचाता है। फिर वो क्या करता है अपना स्लो हो जाता है जब हमारे लीवर का वर्क, तो वो फिर पचा नहीं पाता है और वो फैट कहीं ना कहीं हमारे लीवर के अंदर कोशिकाओं के अंदर जमने स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो है हमारा लीवर जो है वो फैटी होने लग जाता है और फिर वो फैटी होने लग जाता है तो बहुत सारी बीमारियों को हमारी बॉडी के अंदर दस्तक देने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लीवर जो होता है उससे
हमारे इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है, आपको जो है शुगर से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है लीवर का इंबैलेंस हो जाता है या लीवर के अंदर कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है या फिर कोई बीमारी पीलिया की बीमारी जॉन्डिस जिसको कहते हैं अगर वो भी हो सकती है तो भी हमें हमारा लीवर जो है फैटी होना हो सकता है, फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ में हेपेटाइटिस बी या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फेक्शन रहता है तो तुरंत ही आप क्या करें अपना इलाज करवा लें या फिर ऐसा खाना स्टार्ट करें जो मैंने आपको बताया है। आप अपने भोजन में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर बाहर की चीज़ों को बंद करके जो है आपको अपने लीवर की रिपेयरिंग खुद ही आपको लगेगा कि आपका लीवर जो है अब वो अच्छी तरह से काम करने लग गया है या फिर आप जो है अपना डाइजेस्ट आपका पाचन तंत्र भी बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। दोस्तों हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ में कमेंट भी ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।